नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में खोली जा रही शराब की दुकानों को लेकर बीजेपी और आप के बीच सियासत तेज हो गई है। इस कड़ी में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और शराब की दुकान बंद कराने की मांग की है। आज वेस्ट पटेल नगर मार्केट के अंदर जो शराब की दुकान खोली गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिन 850 दुकानों को खोलने की परमिशन देते हुए जिस पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें से एक दुकान पटेल नगर में भी है। और इस पूरे आंदोलन के अंदर वेस्ट पटेल नगर में यहां पर जहां एक और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहां उपस्थित है, हमारे प्रदेश के दो दो उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी, राजन तिवारी जी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश गोयल जी हैं, यहां हमारे जिले के हर एक कार्यकर्ता यहां उपस्थित है, महिला मोर्चा के, युवा मोर्चा के साथी, मंडल के अध्यक्ष, जिले के महामंत्री। वहीं दूसरी ओर जो मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं, पूरी दिल्ली का सवाल है, कि मार्केट एसोसिएशन के लोग भी साथ में हैं, ये जिस पार्टी की मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे जोन के चेयरमैन तेजराम जी हैं, सुनीता जी हैं, हमारी योगेश वर्मा जी जो जोन के चेयरमैन हैं केशवपुरम जोन के, और अभी मुझे बता रहे थे कि हमने दो शराब के ठेके सील करने के ऑर्डर कर दिए हैं। और कल मैं आपको बताना चाहता हूं, कल भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि तीनों मेयर जो हमारे निगमों के मेयर हैं, उनको आदेश जारी कर दिए हैं कि कोई शराब का ठेका नॉन कंफर्मिंग एरिया होगा, मिक्स लैंड यूज होगा, रेजिडेंशियल इलाका होगा या गांव की जमीन पर होगा, किसी भी कीमत पर वो शराब का ठेका अगर खुल गया है तो 3 दिन के अंदर उसके सीलिंग ऑर्डर आ जाएंगे। बता दें, प्रदर्शन से पहले प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तीनों निगमों को पत्र लिखकर निगम और एमपीडी 2021 के कानूनों का उल्लंघन करने वाले नई शराब की दुकानों पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।